21 सितंबर से 19 सितंबर तक होने वाले शरद नवरात्रे को सजे जिला कांगड़ा के तीनों शक्तिपीठों में सुरक्षा प्रबंध चकाचौंध कर दिए गए हैं। जिला पुलिस ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कांगड़ा की तीनों शक्तिपीठों चमुंडा देवी, ज्वालामुखी और बिजेश्वरी माता में 21 सितंबर से 19 सितंबर तक होने वाले शरद नवरात्रे में पुलिस जवानों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से भी मंदिरों की हर गतिविधि पर नजर रखने की बात कही जा रही है। नवरात्रों मेलों के दौरान प्रदेश ही नहीं अपितु देश व विदेश से श्रद्धालु शक्तिपीठों में माथा टेकने पहुंचते हैं। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिसके चलते मंदिरों में विशेष पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा रमेश छाजटा ने बताया कि जिला के तीनों शक्तिपीठों में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मेले के दौरान मुख्य स्थल पर पुलिस टूरिस्ट गाइड तैनात होंगे, ताकि मंदिर स्थल तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को उचित मार्गदर्शन मिल सके, ताकि श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सूचना भी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के तीनों शक्तिपीठों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर नारियल लेकर जाने की मनाही है, साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉलों व कैरेज व्हीकल्स में सवारी न करने की सलाह भी दी जा रही है। हर वर्ष की भांति हम इस वर्ष भी जो एक तयशुदा तादाद है हमारे मुलाजमों की, उस हिसाब से सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इन तीनों शक्तिपीठों पे एक गेजेटेड ऑफिसर जो है, ये कानून व्यवस्था और सुरक्षा का जो है वो सुपरवाइजर ऑफिसर होता है, तीन डीएसपी को वहां लगा लिया जाएगा। और बाकी जितना भी हम प्रीवियसली करते आए हैं, उसी हिसाब से हम जो है अपने पूरे सुरक्षा इंतजाम कर देंगे। इसमें क्या सीसीटीवी कैमरे और जो सादी वर्दी में भी वो तो जो भी हमारा सिक्योरिटी कंपोनेंट है, जिसमें निस्संदेह कुछ सिविल ड्रेस पुलिस फोर्स भी रहती है, और सीसीटीवी वैसे तो मंदिरों में लगे हैं, उसके अलावा जहां आवश्यकता रहेगी हम आवश्यकता अनुसार जो है एडिशनल सीसीटीवी भी दे सकते हैं। और श्रद्धालुओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हुल्लड़बाजी या जैसे टेम्पो ट्रेवल के श्रद्धालुओं को तो हम यही कहेंगे कि वो ठीक है, श्रद्धा के साथ आए, शक्तिपीठों के दर्शन करें, लेकिन अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करने का प्रयास करें। जो ओवरलोडिंग करके आप गुड्स व्हीकल में आते हैं वो ना आए, गुड्स कैरियर को अवॉइड करें और पैसेंजर व्हीकल से आए। और दूसरा, श्रद्धा के साथ साथ कानून का भी सम्मान करें, क्योंकि जितना आप कानून का सम्मान करेंगे, सहयोग करेंगे, उतना आप सभी सुरक्षित रहेंगे।